इंडस्ट्री में देओल परिवार की अलग अलग जगह पर रहने से लेकर अलग अलग टिप्पणियों तक, अलग तरीके की जिंदगी से लेकर अलग लाइफस्टाइल से लेकर अलग तरह के रिश्ते को लेकर हमेशा चर्चा रही है। एक तरफ हेमा है जो कि अपने स्टेपसन सनी देओल के साथ बीजेपी पार्टी का हिस्सा होने के बावजूद दोनों एक साथ नजर नहीं आते, तो तमाम सवाल खड़े होते हैं क्यों एक ही घर का हिस्सा होने के बावजूद ये साथ नहीं होते। लेकिन ये पूरी दुनिया जानती है, पूरा भारत जानता है, दिग्गज अभिनेत्री वेटेरियन हेमा के जो फैंस है वो अच्छी तरह जानते हैं कि हेमा देओल परिवार से कोई ताल्लुकात नहीं रखती है, शर्त के मुताबिक जो उन्होंने हेमा मालिनी ने से धर्मेंद्र से आपको बताना चाहेंगे रिश्ते की शुरुआत के वक्त, शादी के वक्त रखी थी कि धर्मेंद्र के परिवार वालों के बीच नहीं आएंगी हेमा और उनकी पहली पत्नी और उनके बच्चों के साथ रिश्ते में दखल नहीं देंगी हेमा। यही कारण है कि हेमा मालिनी धर्मेंद्र के साथ भी नहीं रह पाते, लेकिन धर्मेंद्र के बिना भी अपने परिवार के स्टेटस को मेंटेन करके रखना और सवाल उनके परिवार को लेकर खड़े होने पर सनी देओल की तरफ से भी पूरी तरह से जवाब देने के लिए तैयार रहती है। आज इस प्रोग्राम में आप सभी के बीच हेमा के नए स्टेटमेंट का हम जिक्र करने वाले हैं जिसमें उन्होंने बेइज्जती पर बदला जमकर लिया है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज, स्वागत है आप सभी का दर्शकों हमारे चैनल में। आज दोस्तों दीपिका पादुकोण को लेकर जो गुस्सा हेमा का निकला उसकी हम बात करेंगे। दीपिका की फिल्म शपथ को बॉयकट करने को लेकर जो ट्रेंड में ट्विटर पर हैशटैग वायरल हुआ, इसके बाद फिल्म शपाक की जो अच्छी कमाई देखने को नहीं मिली, तानाजी और शपाक जो 10 तारीख को रिलीज हुई थी वो फिल्म 2 से 3 दिन में अच्छी कमाई करती नजर नहीं आई है, जिस पर अब हेमा एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी होने के नाते सभी सितारों के बीच दीपिका और फिल्म शपाक को जमकर सपोर्ट करती नजर आई। उन्होंने कहा है कोई मतलब नहीं है, दीपिका की पर्सनल लाइफ उनकी पर्सनल चॉइस है, जेएनयू के अंदर आना जेएनयू पहुंचना। इस पर हेमा ने कैसे स्टेटमेंट्स दिए हैं आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बॉलीवुड में जहां एक तरफ ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी को लेकर चर्चा बरकरार है कि हेमा इस बार अपनी फिल्मों से हटकर जो नजर आई, शिमला मिर्च को लेकर भी चर्चा कम करती हुई राजनीति सफर पर बात करती हुई वो बहुत ही ज्यादा अलग था। जी हाँ, जहां एक तरफ जेएनयू मामले पर बॉलीवुड की तमाम सेलिब्रिटीज दीपिका पादुकोण के सपोर्ट में है, वही हेमा मालिनी से जब इस पर सवाल किया गया तो हेमा ने स्टेटमेंट बहुत हैरान कर देने वाला दिया। हेमा मालिनी ने जो स्टेटमेंट दिया उसे सुनकर धर्मेंद्र के भी होश उड़ेंगे, क्योंकि धर्मेंद्र जहां अपनी एक करीबी फैन को विश करते नजर आए बर्थडे पर हैप्पी बर्थडे सुमैला लिखकर ट्विटर पर उन्होंने इस पर चुप्पी बनाई, तो धर्मेंद्र के बिना ही हेमा ने चुप्पी तोड़ते हुए जिस तरह से सपोर्ट किया दीपिका पादुकोण को, वाकई में उनका खास अंदाज बॉलीवुड के सपोर्ट में देखने को मिला लाजवाब। ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी को क्रिटिसाइज करने की कोशिश पूरे देश भर में जेएनयू के अंदर हुई, लेकिन जेएनयू मामले पर दीपिका का सपोर्ट करना, फिर फिल्म शपाक के खिलाफ एग्रेशन सामने आना, हेमा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। एक फिल्मी अभिनेत्री होने के नाते अपने प्रोफेशन से गहरा लगाव हेमा का आज भी कम नहीं हुआ। ये साफ देखने को मिला जब उनसे सवाल किया गया, हेमा मालिनी ने दीपिका पादुकोण के फिल्म को लेकर कहा, दीपिका हैज परफॉर्म्ड अ कॉम्प्लिकेटेड रोल, यानी कि धर्मेंद्र की पत्नी वेटेरियन एक्ट्रेस हेमा का यही मानना है कि दीपिका पादुकोण का अपना इंडिविजुअल चॉइस था, जेएनयू पहुंचना उसके बारे में जिक्र करना गलत है, हर आदमी का अपना एक चॉइस होता है और अपनी राइट होती है और उसका उनका हक है कि वो अपनी सोच अपनी पर्सनल चॉइस किसी को भी सपोर्ट कर सकती है। बीजेपी एमपी हेमा मालिनी ने बीजेपी के खिलाफ जेएनयू में हुए उन सभी मामले पर दीपिका का भी सपोर्ट करने पर उन पर गुस्सा नहीं निकाला, बल्कि हेमा मालिनी जो कि बीजेपी के अंदर क्रिटिसाइज की गई तो उन्होंने तगड़ा जवाब दिया। बेइज्जती होने पर हेमा मालिनी शपथ फिल्म की बेइज्जती दीपिका की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाई। उन्होंने मथुरा में द बिलन एसोसिएशन ऑर्गेनाइज किया गया तो वहां पर मीडिया का सामना करते हुए कहा, आर्टिस्ट वांट दैट पीपल शुड सी देयर परफॉर्मेंस एंड हेंस बॉयकॉटिंग दीपिकाज मूवी वाजंट अ राइट थिंग, बिल्कुल भी उन्हें मतलब नहीं है दीपिका की पर्सनल चॉइस से, ये उनका साफ साफ कहना सामने आया और फिल्म को बॉयकॉट करना बिल्कुल गलत है, ये उनका खुद का कहना था।
जी हाँ, ये था शो ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी और उनके स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ। हमने हमारे इस प्रोग्राम में बात की है हेमा मालिनी के स्टेटमेंट की, हेमा मालिनी की लाइफस्टाइल से हटकर उनकी राजनीतिक सफर के बीच जेएनयू विवाद पर, दीपिका के एंट्री से लेकर छपाक फिल्म के विवादों में फंसने पर उनका गुस्सा कैसे निकला और कैसे उन्होंने सबको जवाब देकर मुंह बंद किया है, सुना आपने। वक्त हो गया है आपसे अब यहीं पर दोस्तों इजाजत लेने का, बहुत जल्द लौटेंगे ऐसे ही बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट तमाम ट्रेंडी खबरों के साथ। देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।